क्या आपको पता है कि गुदेदार की जगह पे आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो पाइल्स बवासीर मस्से छोड़ के भी कुछ और कारण रहते हैं, कुछ और बीमारी रहते हैं, जिसमें से एक गंभीर बीमारी एनोरेक्टल कैंसर यानी गुदेद्वार के जगह का कैंसर। यदि ये कैंसर की तकलीफ है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके लक्षण क्या है और पाइल्स बवासीर से कैसे ये थोड़े से अलग रहते हैं। अगर पाइल्स बवासीर का ब्लीडिंग हो रहा है तो ये जनरली पिचकारी जैसे ब्लीडिंग होता है, फ्रेश रेड कलर का ब्लीडिंग होता है। बहुत बार ग्रेप्स तरह के अलग अलग जो छोटे छोटे मसे या बड़े बड़े मसे वो बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। गुदेद्वार का जो कैंसर रहता है, ये कैंसर के जो लक्षण रहते हैं ये थोड़े से अलग रहते हैं बहुत बार। जैसे कि ये जो ब्लीडिंग होता है, एक काला खून आता है, बासी खून आता है, टॉयलेट के साथ मिक्स होकर आता है, तो पूरा टॉयलेट भी बहुत बार काला आता है। अगर कोई आपको सूजन है तो एक कड़क रहेगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तीसरा जो लक्षण हम देखते हैं वो है टॉयलेट की जगह पे जो टॉयलेट आता है वो बहुत बार पेंसिल जैसा पतला आता है, कभी कभी बहुत जोर करना पड़ता है। खास करके एनोरेक्टल कैंसर में चिकना पानी ज्यादा आता है और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यानी डायरिया और कब्जी बार बार होते रहता है, ज्यादा जोर करने पड़ता है टॉयलेट में और बिना कारण के वेट लॉस हो रहा है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो एक बार बराबर चेकअप कराना बहुत जरूरी है, कहीं कुछ कैंसर या कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका स्टेज 1 का कैंसर स्टेज 4 के कैंसर में जा सकता है और आपको लाइफ कम कर सकता है और आपको ट्रीटमेंट रिजल्ट भी कैंसर का फिर कम मिलता है। अगर सही वक्त पे सही इलाज कराओगे तो फिर अपने को रिजल्ट्स बेटर मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो एक बार बराबर से सर्जन के पास चेकअप करा लीजिए, जिससे अपना डायग्नोसिस पक्का हो जाएगा कि भाई ये पाइल्स है या फिर कैंसर है। कैंसर है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, पाइल्स बवासीर है तो इसका ट्रीटमेंट डाइट, मेडिसिन और कुछ केसेस में अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। धन्यवाद।